हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं सेवड़ा गांव से थोड़े ही दूर एक जिंद पीर बाबा की दरगाह है, वहां पर हम लोग जा रहे हैं गोट करने। आगे के ब्लॉग में आपको और दिखाएंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं जिंद पीर बाबा की दरगाह पर। सेवड़ा गांव से थोड़ा ही दूर है और ये हमारे भाई लोग जाते हुए, जैसे कि आपको दिखाएंगे कि ऊपर ये दरगाह है और ये बाजू में पहले के ज़माने में कुआ बनाया करते थे। दिखाएंगे हम आपको कुआ, ये देखिए, इसके अंदर मिट्ठू के बच्चे निकलते हुए। इसका कोई अता पता नहीं है, कुछ है भी या नहीं, देख सकते हैं। पानी तो उसमें नहीं है, ये देखिए सारा जंगल जंगल, पूरा डांग, चारों तरफ जंगल जंगल। ये इतनी सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं, इसके आगे से और भी ये सीढ़ी चढ़ना है। धीरे धीरे यहाँ से जाएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना है। तो फ्रेंड्स, हमने सारी सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं, थोड़े से थक गए हैं। और ये देखिए, आप लोगों कैमरे में नज़र आ रहा होगा, तो ये हमारा कैमरा थोड़ा क्लियर नहीं है। ये सेवड़ा गांव नज़र आ रहा होगा आपको, ये गांव है। लोग बोलते हैं कि पहले के ज़माने में गांव यहाँ पर हुआ करता था, फिर कुछ वजह हुई, इसके बाद यहाँ से गांव दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल है और कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये दरगाह है, नदी है पीछे, और दूसरे और भी हम आपको दिखाएंगे नदी। ये दरगाह का गेट है, एंट्री गेट, ये देखिए, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा गेट बना हुआ है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे, यहाँ से अंदर आ चुके हैं। ऊपर फर्स्ट दरगाह ये बनी हुई है, ये चबूतरा है, एक किसी चीज़ का पेड़ लगा हुआ है। और यहाँ पे बच्चे लोगों ने चादर को ऐसे ही लगा दिया है धीरे धीरे। और ये पानी की बॉल है, यहाँ से पानी आता है। ये एलोवेरा के झाड़ लगे हुए हैं, बहुत से लोग इसको चेहरे पे लगाते हैं। और ये पानी की टांकी बनी हुई है इधर, ये देखिए, यहाँ से नल चालू करिए, पानी आता है। और ये दरगाह का चारों तरफ काम चालू है, थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है। ये पहली दरगाह ये है इधर, इसके बाद फिर दूसरी वाली दरगाह हुआ है सामने। दोस्तों, फिर आपको दिखाएंगे कि ये दरगाह के पीछे से सिंध नदी निकली हुई है, जो पिछला अभी एपिसोड हम आपको अपलोड करेंगे उसमें दिखाएंगे। सनकुआ धाम जो सेवड़ा से लगा हुआ है, बिल्कुल बाजू से, सेवड़ा गांव के बाजू से ही नहर निकली हुई है, इसको बोलते हैं सिंध नदी। और ये हम जिंद की पीर बाबा की दरगाह पर आए हुए हैं, उनके दरगाह के जस्ट बगल से ये नदी निकली हुई है। और देखिए, बहुत
इसके पीछे गांव मदनपुरा है, और यहाँ से निकलने के लिए कोई साधन नहीं है। छोटी सी ये नाव दिख रही है आपको, छोटी सी नाव डली हुई है, और ये गांव वालों की बाइक यहाँ पर खड़ी होती हैं, वो लोग यहीं पर खड़ी कर देते हैं, यहीं पर खड़ी रहती है, और खेती भी कुछ करते हैं यहाँ पे लोग। ये देखिए गांव वालों के ये जानवर हैं, अपने अपने जानवर को यहाँ पे चराने के लिए लाते हैं। और इसके पीछे देखेंगे जब पानी आता है बारिश के टाइम, तो ये पूरी नदी भर जाती है, दिख रहा है ना, ये सब पूरे खेतों में पानी आ जाता है। और ये यहाँ पे दरगाह है, यहाँ पे ये पीछे दरगाह है, यहाँ से एंट्री गेट है, यहाँ से आप जाएंगे, इसमें मस्जिद भी है छोटी सी, और इस तरफ दरगाह है, एक दरगाह उस तरफ है, ये पूरा सीन ये है। यहाँ से बहुत बहुत नीचे है, माशाल्लाह काफ़ी साफ पानी दिख रहा है नदी का। और ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल, जंगल के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने आपको बताया गया था कि ये एंट्री गेट था, और ये हजरत बाबा जिंद पीर साहब बाबा की दरगाह है, आस्थान मुबारक है। ये देखिए यहाँ पे छोटी सी ये मस्जिद है, ईदगाह मस्जिद है, और लोग अपने अपने अकीदे से, मतलब जिनका जो अकीदा है मानते हैं इनको, और हम भी मानते हैं, अल्लाह के वली हैं ये। यहाँ पे की मज़ारात है, इनको लोग बोलते हैं जिन शाह पीर बाबा। ये देखिए ये आस्थाना मुबारक है इनका, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दरगाह है, ये मज़ारात हैं उनके। ये देखिए ये मज़ारात हैं, और बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ का। छोटी सी मस्जिद है ये यहाँ पर, ये देखिए ये बाहर निकलने का रास्ता है, ये दरगाह है, और ये पेड़ पता नहीं किस चीज़ का है, पेड़ भी है ये। तो फ्रेंड ये मेरा चिकन बन के रेडी हो चुका है, ये देखिए, और इसको हम आपको दिखाएंगे। इसमें ये हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है, ये देखिए ये हमारा खाना रेडी हो चुका है, और ये देखिए सब सामान भी, ये कोठी है इसके अंदर रखा हुआ है खाना बनाने के लिए, बर्तन वगैरह। और ये हमारे भाई लोग हैं, ये देखिए ये गक्कड़ बनाते हुए, और एक ये भाई हैं, ये देखिए ये रोटी बना रहे हैं, और ये हमारे भाई हैं, ये रोटी सेंक रहे हैं, और ये हमारा भांजा है, क्या नाम है तुम्हारा? साकिर। शाकिर। ये मेरा भांजा है, और